दूसरा आना है, एक ही वर्ड है। अब की बार तो सारा ही मुझे सुनने नहीं दे रहे। अब की बार अरे इधर मत बोलो यार, इधर आओ बोल उसको यार पागल। बीआरएस का सबसे पहले नारा हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। ऐसा रिवर्स ले बोले, ऐसा रिवर्स ले लो, मुझे सुनने नहीं दे रहा। अब की बार मनम इलेक्शन हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। और दूसरा दूसरा वीडियो नहीं है, मुझे सुनने नहीं दे रहे। मामा दबल गया, मुझे सुनने नहीं दे रहे। इसीलिए इवन मूड स्क्रीन उठते बीआरएस का सबसे पहला नारा हिंदुस्तान में गांधी क्लैरिटी దినంలో కూడా కనబడుతుంది। ఏ చాలా క్లారిటీ ఉంది। अब की बार किसान सरकार। ये 75 दूसरा ना, ये वीडियो ऐड कर रहा ना, दूसरा ना स्पीच पूरा। अब की बार 52 मिनट का है सर, 52 घंटे का। डालो नहीं दे रहे, अब की बार मेरे पास नहीं है सर, वो मेरे पास नहीं है। यूट्यूब लिंक भी तो दिया ना सर, उसको डाउनलोड करना पड़ता, अपने मोबाइल की कैपेसिटी नहीं ना उसमें सर। भाई जो लाया हूँ सर आपके लिए, के लिए लाया हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, के लिए लाया हूँ। पहले प्रिंट वाला हिंदुस्तान रमन भास्कर सीधा, रमन सीधा, रमन सुनने नहीं दे रहे। ऐसा रखा भाई, दूसरा नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं आता। वो सबसे पहले लड़ाई आंबेडकर भारत उभारणीसाठी केसीआर
भारत आणि संपूर्ण जगाला दाखवताय की तेलंगणामध्ये एका क्रांतीची सुरुवात कशी झाली. आपल्या अभूतपूर्व योजनेच्या मदतीने जिचं नाव आहे तेलंगणा दलित बंधू. अंदाजे 17.5 लाख दलित कुटुंबांसाठी तेलंगणा त्यांचे घर झालं आहे आणि आता तर तेलंगणाला म्हणतात अपेक्षांची धरती. आणि हे शक्य झालं दलित बंधूच्यामुळे जी टीआरएस सरकारने सुरू केली 2021 मध्ये. जगातील अशी पहिली योजना जी प्रत्येक दलित कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची उच्च पातळीची आर्थिक मदत देते. या योजनेसोबत अनेक लाभांश योजना निगडीत आहेत ज्या संपूर्ण राज्यात लागू केल्या आहेत. पण दलित बंधू योजना खास करून दलित वर्गाच्या उद्धाराकरता बनवली गेली आहे. या योजनेचा उद्देश आहे 17.5 लाख दलित कुटुंबांना काही मूलभूत सोयी पुरवणे. उदाहरणार्थ प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाखाची रक्कम देणे, शून्य परतफेडीचे 100% अनुदान देणे, रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करणे. गाव, मंडळ, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर दलित बंधू सहायता कक्ष आणि निरीक्षक समितीची स्थापना. लाभवर्धक योजना, सरकारी ठेके आणि लायसन्सेस मध्ये दलितांना आरक्षण देणे. या सोबतच तेलंगणाची आणखी एक दूरदर्शी योजना आहे दलित विद्यार्थ्यांना निवासी शाळा आणि कॉलेजांची सुरू करणे आणि 20 लाख रुपयांची परदेशी शिष्यवृत्ती आंबेडकर प्रदेशी विद्यानिधी. त्यामुळे शिक्षणाच्या रूपात यशाचा सर्वात सशक्त मंत्र मिळू शकेल. हुजुराबाद 2021 तेलंगणा दलित बंधूची सुरुवात झाली. तेलंगणाची दलित बंधू एक अशी अभूतपूर्व योजना आहे जी आपल्या लाभार्थींवर पूर्ण विश्वास ठेवते. प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या व्यापाराचा निर्णय घेण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते. मी वच्चि फार्मसी చదివాను సార్. దాని తర్వాత యాజ్ ఏ ఫార్మసిస్ట్ గా చాలా ప్లేస్ లో వచ్చాను సార్. ఎప్పుడైతే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దళిత బంధు పెట్టిందో అప్పుడు ఇంకా నేను నాకు ఎప్పటి నుంచో నా ఓన్ బిజినెస్ పెట్టుకున్నామని నాకు అంతకుముందే ఒకటే సార్ మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ దళిత బంధు స్కీమ్ ఒకటి పెట్టి మన ఓన్ గా నా ఓన్ గా నేను సిటీ రావడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసాను సార్. కుటుంబీయంగా లాభార్థి ప్రమాణే మానలే జాతే आणि 10 लाख रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतात. प्रत्येक कुटुंब आपल्या मनाप्रमाणे याची निवड करू शकते की ते कसे या 100% सबसिडीचा वापर करायची मनीषा ठेवतात. तो एक किंवा एकापेक्षा अधिक व्यापार सुरू करू शकतो. अनेक लाभार्थी आपल्या साधनांना एकत्र करून एक साथ व्यापार सुरू करू शकतात. ते कोणत्याही क्षेत्रात व्यापार करू शकतात. आता ते आकाशाला गवसणी घालत होते. खूप कमी वेळा बदलाची ही हवा वातावरणात वाहायला लागली. हा त्या 40,000 गोष्टींचा एक छोटासा हिस्सा आहे ज्यांना तेलंगणाने दलित बंधू स्कीमच्या मदतीने सशक्त बनवलं आहे. फक्त एका वर्षात या योजनेने देशातील प्रत्येक दलित उत्थान योजनेला कित्येक मैल मागे टाकलं. आतापर्यंत दलित बंधू स्कीमला तेलंगणामधील सगळ्या 119 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात आलं आहे. लाभार्थींनी आपल्या कुटुंबासाठी सुख आणि समृद्धी प्राप्त केली आहे. रोजगार आणि मजुरीच्या मदतीने आपले प्रयास अधिक प्रभावी करायला ऊर्जा पुरवली आहे. 4,000 कोटी रुपये आणि 40,000 लाख आज तेलंगणा सरकारने दलित बंधूचे बजेट वाढवून 17,700 कोटी रुपये केले आहे. जेणेकरून ते 2 लाख लाभार्थींपर्यंत पोहोचू शकतील. आणि याबरोबरच जगातील सर्वात నష్ట క్రాంతికారీ యోజన కదీ తయారు జితే శత ప్రతిశత సంధి ఫార్వర్డ్ కరే సుమంత్ కరే ఫార్వర్డ్.
చాలా చాలా ధన్యవాదాలు కేసీఆర్ గారికి, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కూడా మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. ముగ్గురు అసలు యూనిట్ పెట్టాము, అంటే 30 లక్షలు పెట్టి ఒక వెహికల్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు అమెరికన్ టూరిస్ట్ షాప్ పెట్టాము, బాగానే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు అయితే అంటే నేను జాబ్ చేసామని ఇప్పుడు ఓనర్ గా, అంటే ఒక కంపెనీ ఓనర్ గా ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తెలంగాణ సర్కార్ కర్తా రికార్డ్ తోడ్ ఫార్ మహత్వాచ నాయి పణ మహత్వాచ ఆయ సర్వాతమ ఆర్థిక స్వాతంత్ర్య దినం ప్రత్యేక దళిత బంధు లాభార్థాలా 10 లక్షల రూపాయల రక్కం అని సోబత్ 10,000 రూపాయలు ఏక సురక్షా కవచ మిలతె జిల్లా దళిత రక్షణ నిధి మంటా జాముళే కఠిన పరిస్థితి సర్వ దళిత కుటుంబాన ఆర్థిక సహాయతా మిలు శకి ఏ సశక్త బనవాయలా सरकार अतिरिक्त 10,000 रुपयांचे योगदान देते. जे ठरलेल्या रकमे व्यतिरिक्त दिले जातात. एक असे सुरक्षा कवच जे जगात कुठे पाहिले नाही आणि केसीआर सरकार करता याचे महत्व आर्थिक फायद्यापेक्षा पुष्कळ अधिक आहे. लाभार्थी एखाद्या नाईलाजाग्रस्त झाला असेल त्याच्या कुटुंबाला ताण आणि कठीण परिस्थितीचा सामना करायची आता गरज नाही. ते पूर्णपणे सुरक्षित असतील हाच उद्देश आहे या खास सुरक्षा कवचाचा. त्याचं नाव आहे दलित रक्षण निधी. सरकारच्या निर्भीड नेतृत्वाखाली दलितांकडे आता असे सरकार आहे जे त्यांना सुरक्षा प्रदान करत आहे आणि त्याची काळजी घेत आहे. तेलंगणा सरकार दलितांवरील अत्याचारांपासून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि प्रत्येक दलित या जगात सन्मानासह आपली यशोगाथा लिहू शकेल, प्रकाशमान करू शकेल. चलो बोलो. आज नांदेड जिला में 16 तालुकों में हमने लोगों से निवेदन कर रहे. 26 तारीख जो सीएम साहब ने खानदार लोहा बहिरंग सभा में बात करने को आ रहे, अभी 16 तालुकों में पूरा लोगों का सामने तेलंगाना मॉडल जो है, तेलंगाना मॉडल में जो काम करे इरिगेशन के लिए, कालेश्वरम का जैसा वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट करे और खेतों और किसान के लिए जो काम करे, किसान के लिए जो रईत बंद दे रहे, किसान जो मर जाते उसको 5,48 आवर्स में दे रहे, जो जो जितना 450 हमने तेलंगाना में हमारा सीएम साहब केसीआर साहब जो स्कीम्स करे वो बताने के लिए अभी 1600 गांव में आज से घूम रहे हमारा शकील साहब, हमारा जनरल सेक्रेटरी हिमांशु और हमारा कल हम भी साहब का साथ आता, कार का साथ आता, केसीआर साथ आते और बीआरएस का साथ आते, बोल के नागनाथ जी भी कंटेस्टेड एमएलए वहाँ से भोकर से उन्होंने 1-2 हज़ार से हर गया, उन्होंने भी हम केसीआर का साथ आते हम वेलकम कर रहे बोल के उन्होंने भी आज आ रहे प्रेस में, आज इवनिंग बोल दे रहे. फिर ये 1600 गांव में अभी आज से 25 तक घूमते, अब सबसे निवेदन कर रहे लोगों से फिर किसान से, आप आके ओरिजिनल जो केसीआर साहब का तेलंगाना मॉडल तेलंगाना में जो काम कर रहे वो देख लो, बल्कि हम के निवेदन कर रहे लोगों से.
वो फेक गुजरात मॉडल बोल के लोगों को चीट करे सो बीजेपी है। अभी हमारा साहब जो 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 काम करे वो निवेदन पूरा गांव में दिखा देते हैं सबको निवेदन करके। फिर खानदार लोहा में जो मीटिंग हो रहा 26 तारीख 1 बजे हमारा सीएम साहब ने बीआरएस नेशनल प्रेसिडेंट साहब आ रहे, आप सब लोग आना बोल के रिक्वेस्ट है, निवेदन है। आप बोल सकते मराठी में बोलिए, बोलो ना आप भी बोलो आपका, अब जो जैन हो रहा ना वो फिर मैं हिंदी में दो बात बोल दूंगा, जब आप बोल लो मराठी में फिर बोलो। आपले या नांदेड जिल्ह्यामध्ये लोहा कंधार विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपल्या तेलंगणा स्टेटचे आदरणीय मुख्यमंत्री बीआरएस पार्टीचे सर्वस्व ते 26 तारखेला या ठिकाणी येणार आहे। त्या 26 तारखेच्या कार्यक्रमामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील तमाम किसान बंधू, त्या ठिकाणी सर्वसामान्य गरीब दलित बंधू सर्व त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत। आणि आपल्या तेलंगणा स्टेटमध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जो न्याय मिळाला, सर्वसामान्य गरिबाला जो न्याय मिळाला, सर्वसामान्य लेडीजला म्हणजे महिलांना जो न्याय मिळाला, तोच न्याय आपल्या या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये मिळाला पाहिजे। हा दृष्टिकोन समोर ठेवून तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय केसीआरजी 26 तारखेला आपल्या या कंधार लोहामध्ये येणार आहेत, त्यांचं स्वागत आपल्या नांदेड जिल्ह्याच्या वतीने त्या ठिकाणी होणार आहेत। आणि त्या ठिकाणी अनेक मान्यवर केसीआर साहेबांच्या उपस्थितीत त्या ठिकाणी बीआरएस पार्टीमध्ये सामील होणार आहेत। आणि बीआरएस पार्टी म्हणजे भारतीय देशामध्ये पूर्ण राज्यामध्ये या ठिकाणी जे तेलंगणा स्टेटचं जे मॉडेल आहे ते मॉडेल पूर्ण देशामध्ये लागू झालं पाहिजे। गुजरात मॉडेल हे फेल मॉडेल आहे, गुजरात मॉडेलमध्ये गुजरातमध्ये कुठलंच काही मॉडेल नाही। अनेक वेळेस आम्ही गुजरातमध्ये गेलो होतो परंतु त्या ठिकाणी काही नाही। खरं जर या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळणार असेल तर तेलंगणा स्टेटमध्ये मिळालं। म्हणून माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आज या ठिकाणी केसीआर साहेबाच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची संधी या ठिकाणी आम्हाला 26 तारखेपासून मिळणार आहे। आणि त्याचं स्वागत, केसीआर साहेबाचं स्वागत आम्ही आमच्या वतीने या ठिकाणी करू अशी या ठिकाणी विनंती करतो। भोकर विधानसभा मतदारसंघामधून मी गेली 3 वेळेस त्या ठिकाणी आमदारकी लढवली, केवळ 1000-2000 मतांनी त्या ठिकाणी माझा पराभव झाला। या ठिकाणी केसीआर साहेबाकडे आमचे बंधू श्री जीवनजी रेड्डी साहेब, श्री शिकल साहेब यांच्या माध्यमातून, हिमांशु साहेब यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री साहेबांची भेट झाली। आणि त्यांनी सांगितलं, शब्द दिला, जे तेलंगणा स्टेटमध्ये या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळतो तोच न्याय महाराष्ट्रातल्या जनतेला मिळाला पाहिजे, म्हणून माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे। म्हणून मी सुद्धा माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य माणूस केसीआर साहेबाचं नेतृत्व ठेवून, त्यांनी सांगितलं मला येणाऱ्या काळामध्ये विधानसभेच्या वेळेस आपण त्या ठिकाणी राहणार आहात, 100% महाराष्ट्रातून नांदेड जिल्ह्यातून त्या ठिकाणी आपल्याला निवडून आणू आपल्या या भोकर विधानसभा मतदारसंघ असेल की त्या ठिकाणी जे आमचे 16 तालुके आहेत, 9 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, प्रत्येक मतदारसंघातून या ठिकाणी भारत बीआरएस पार्टीचा त्या ठिकाणी उमेदवार निवडून येईल ही या ठिकाणी मी हमी देतो असं त्या ठिकाणी सांगितलं। केवळ 288 जागा आपल्या राज्यामध्ये आहेत, 288 जागा या ठिकाणी आपल्याला लढवायच्या आहेत। आणि परत या महाराष्ट्रावर या ठिकाणी बीआरएस पार्टीचं या ठिकाणी वर्चस्व राहील, त्यांची सत्ता येईल आणि सत्तेच्या माध्यमातून या राज्यातल्या तमाम जनतेला न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब करतील एवढं या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आहे। त्या पद्धतीनं काम या राज्यामध्ये चालेल असं या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो। शकील भाई सुंदर, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। भारत राष्ट्र समिति की जो हाजिर सभा लोहा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लोहा के अंदर जो 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष
श्री केसीआर जी की उपस्थिति में ये सभा आयोजित की गई है। मैं नांदेड़ ज़िले के तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों किसानों सबसे नौजवान बच्चों सबसे विनती करता हूँ कि ये सभा में बड़े पैमाने पे आप लोग उपस्थित होइए। जो भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना राज्य में कल्याण कर रही है, कल्याण के काम कर रही है, जिस तरीके की डेवलपमेंट स्कीम्स तेलंगाना राज्य में चल रही है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, उस तरीके की पूरी वेलफेयर स्कीम्स महाराष्ट्र में लागू करने के लिए आपका आशीर्वाद लेके भारत राष्ट्र समिति यहाँ से महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र के कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के उद्धार के लिए हम लोग आए हैं। आप अपना आशीर्वाद देके केसीआर जी की सभा को 26 तारीख को 2 बजे केसीआर जी की सभा को कामयाब बनाइए। और जो 1600 ग्राम पंचायत में तकरीबन ये तेलंगाना मॉडल की जो गाड़ियां हमारे पीछे खड़ी हुई है, इसमें वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके के कल्याण के कार्य तेलंगाना राज्य में चल रहे हैं, ये सारे लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिए, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके गांव में भी इस तरीके का कल्याण हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का कल्याण हो? तो ये सालों साल से यहाँ पे पार्टियाँ बेवकूफ़ बनाते आ रही है महाराष्ट्र में लोगों को, गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ करते आ रही है, किसानों के साथ खिलवाड़ करते आ रही है। मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विज्ञप्ति करता हूँ कि आप लोग तेलंगाना राज्य के जो कल्याण के कार्य है, ये वीडियो के जरिए से छोटा सा एक वीडियो इसमें बनाए हैं, मॉडल है, इसमें आप देखिए किस तरीके से तेलंगाना में कल्याण हो रहा है, महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से और इससे अच्छा कल्याण होगा। आप तमाम से सादर निवेदन है कि 26 तारीख की जो लोहा में बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर जी की जो सभा होने वाली है, इसमें आप सब लोग उपस्थित होके केसीआर जी को आशीर्वाद देके इस सभा को 100% कामयाब बनाइए। जय महाराष्ट्र। ठीक है, बोल रहे साथियों नमस्कार। आज ये जो 16 गाड़ियां आप सबके बीच में 1600 गांव में जाएंगी, यह इसलिए भेजी जा रही हैं कि आप तेलंगाना मॉडल की सच्चाई को जानिए, क्योंकि आप जानते हैं आपके बगल में ही तेलंगाना के विकास को आप देखते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना पड़ोसी राज्य हैं, 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। जो तेलंगाना में हो सकता है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है, यह बताने के लिए यह वीडियो आधे घंटे का तेलंगाना मॉडल आपके बीच में जा रहा है। इसमें सीएम साहब का साफ साफ विजन है कि तेलंगाना में उन्होंने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित बंधुओं के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है, पीने के पानी के लिए, हर एकड़ की सिंचाई के लिए, इंश्योरेंस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आखिर यह सब तेलंगाना में हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? एक किसान मरे तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? हर खेती को 10,000 एकड़ क्यों नहीं दिया जा सकता? हर खेत को पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर महाराष्ट्र के पास किस चीज़ की कमी है? और अगर इसी बात को समझते हुए हमारा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को देखिए। और जो लोहा में 26 तारीख को केसीआर साहब की सभा हो रही है, भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी किसानों के नेता, उनकी जो सभा हो रही है उसको सुनिए और उनकी बातों को दानदेड़ और आसपास के मराठवाड़ा के गांव गांव तक ले जाइए, महाराष्ट्र के गांव गांव तक ले जाइए। जैसा हम तेलंगाना में ये सब पूरा गांव-गांव तक किया है, ये वीडियो में जो कुछ भी काम हुआ है उस बात को आप गांव-गांव तक ले जाइए, उनकी बातों को सुन के गांव-गांव तक ले जाइए और अपने महाराष्ट्र को बदलिए, अपना विकास कीजिए। इसलिए बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में आई है। आप सब आएंगे उस सभा में 26 तारीख को लोहा में 1 बजे और केसीआर साहब को सुनकर एकजुट होकर महाराष्ट्र में आवाज लगाएंगे। अब की बार किसान सरकार, अब की बार लोगों की सरकार। अब की बार किसान सरकार। जय।